हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे छोले। तो छोले हम बनाएंगे एक नए तरीके से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इनकी कलियां ले ली है, थोड़ी सी मैंने अदरक ले ली है, 3 मैंने टमाटर ले लिए मीडियम साइज़ की, 2 मैंने प्याज ले ली है मीडियम साइज़ की, और 2 हरी मिर्च ले ली। और ये मैंने काबली चने को अच्छी तरह से रात में सोख करके तैयार कर लिया है। ये मेजरमेंट करेंगे तो ये 2 कप होगा। लहसुन अदरक का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज और टमाटर को बारीक बारीक हम कट कर लेंगे। देखिए, प्याज और टमाटर को मैंने कट कर लिया है, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो इस रेसिपी में हम चने को बॉईल करके इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस रेसिपी में हम सिर्फ कच्चे सोख किए हुए चने का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से हम गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो 2 बड़े चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो देखिए, ऑयल अच्छी तरह से हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता और ये खड़े मसाले। देखिए, बड़ी इलायची को और छोटी इलायची को मैंने थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है, तो क्रश करके ही ऐड करेंगे, जिससे कि इसके फ्लेवर अच्छी तरह से छोलों में आए। तो इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। तो देखिए, मसाले हमारे हो चुके हैं, तो अब इसमें हम कटी हुई प्याज को ऐड कर देंगे। तो प्याज को हम अच्छी तरह से भूनेंगे बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सोख किए हुए चने, और प्याज के साथ ही चनों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो प्याज के साथ चनों को हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे कवर करके। तो इसको कवर करके 2-3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। इसी के लिए आप प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल करें, इसे पैन या कढ़ाई में ना बनाएं, क्योंकि सारे मसालों के साथ जब हम चनों को अच्छी तरह से भून लेंगे, इसके बाद हम इसमें 2 से 3 सीटी लगाकर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो चने हमारे भून चुके हैं, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं कि चने के साथ हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले। मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है और जीरा पाउडर लिया है। ये इसके नीचे है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इन सभी मसालों को हम एक साथ ही ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो मसाला जले नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, नमक भी ऐड कर देंगे। 1 स्पून नमक ले लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है। आप अगर ऑफिस गोइंग हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है छोले तैयार करने की। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। मसाले और चने को 5 मिनट तक कवर करके अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो देखिए, छोले में अच्छा सा कलर भी आ गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। और इसको भी हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो इसको अब हम कवर कर देंगे। 5 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे हम कुक करेंगे। तो चलिए, अब हम चेक कर लेते हैं कि टमाटर हमारा कुक हुआ है कि नहीं। तो देखिए, टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच छोला मसाला। तो इसको ऐड कर देंगे,
और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। और इसी में ये स्लिट की हुई ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे और इसको भी कुक कर लेंगे। तो बस इसको हम 2 मिनट तक कवर करके और कुक करेंगे। कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो मसाला और टमाटर हमारा दोनों ही भुन चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से जितना थिक रखना चाहते हैं, जितनी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से ऐड करें। और थोड़ा सा हम पानी और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे छोले हमारे अच्छी तरह से कुक हो सके। इसलिए हम थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब इसको हम 4 से 5 सीटी लगा कर इसको हम कुक कर लेंगे। तो चलिए छोलों को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से हमारे छोले बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।